हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, इस ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं राजगीर का घोड़ा कटोरा दिखाने वाले हैं। और हम ये हैं लिफ्ट चेयर के पास, अभी लिफ्ट चेयर घूमे हैं। आप लोग को ब्लॉग के इस ब्लॉग के एंड में मिल जाएगा उनका लिंक, जा कर के देख सकते हैं लिफ्ट चेयर का। और भी यहाँ से जाने वाले हैं घोड़ा कटोरा, और देखते रहिए वीडियो को, बहुत मज़ा आने वाला है। फिर आप लोग को आगे पहुँचते हैं, फिर दिखाते हैं आगे कब। तो गाइज, फाइनली पहुंच गए घोड़ा कटोरा। यही है घोड़ा कटोरा, इसी लोकेशन को घोड़ा कटोरा नाम है, और इसी को घोड़ा कटोरा कहते हैं। और यहाँ पे हम बात किए थे तो बोला है कि यहाँ पे घोड़ा अधिकतर मतलब चलते थे, घोड़ा का गाड़ी चलता था, तो इसीलिए यहाँ का मतलब इस लोकेशन का नाम पड़ा है घोड़ा कटोरा। देख सकते हैं यहाँ पर बोटिंग वगैरह चल रहा है तालाब में, बोटिंग वोटिंग भी होता है, और बोटिंग भी करेंगे, आप लोग को दिखाएँगे ब्लॉक में बोटिंग का भी, देख सकते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ से पूरा एकदम मतलब पहाड़ ही पहाड़ है, देख सकते हैं पीछे पूरा पहाड़ है, और इधर भी पहाड़ ही है, ये भी पहाड़ी है, चारों तरफ पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। इसी के बीच में छोटा सा तालाब है जिसमें पानी है, और इसमें बोटिंग होता है। और बीच में जो है बुद्ध भगवान का स्टैचू बना हुआ है, देख सकते हैं पीछे है बुद्ध भगवान का स्टैचू है, तो इसी को कहते हैं घोड़ा कटोरा। फिर बोटिंग करके दिखाते हैं, और देख सकते हैं गाइस, वहाँ से लिफ्ट चेयर से आए थे तो टोटो से आए थे, तो 100 रुपये उसका प्राइस है, यानी कि आपको इधर उधर से लेके भी आएगा और इधर से 100 रुपये में जा भी सकते हैं, दोनों का आना जाना 100 रुपये में हो जाएगा। देख सकते हैं, आप लोग को बैक वाला कैमरा से दिखाते हैं। तो गाइज, वोटिंग करने के लिए 2 घंटा हमको वेट करना पड़ेगा, तो वेटिंग का प्राइस है 40 रुपया। आप लोग आइएगा तो यहाँ वोटिंग कर सकते हैं 40 रुपये में, और 2 घंटा बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अधिक आदमी है, पब्लिक यहाँ पे ज़्यादा है, उसके वजह से वेटिंग में पड़ गया है। और तो वोटिंग तो कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि 2 घंटा इंतज़ार करना होगा, और यहाँ है भी कुछ नहीं, सिर्फ वोटिंग करना है। और बाकी बात देख सकते हैं, ये स्टैचू बना हुआ है बुद्ध भगवान का, और देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, देख सकते हैं। और अगर बारिश हो गया तो फिर यहाँ ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं है, भींग जाएंगे, और मौसम भी ख़राब है, बारिश हो भी सकती है, संभावना ज़्यादा है बारिश होने की। गाइज, यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन घंटी को ऑन करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।